माय चैनल और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है दिन संडे का और आज सबकी छुट्टी है, तो आज जो दिन की शुरुआत है ना वो हम लोगों ने धीरे से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, तो अभी ना हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। मैंने जस्ट अभी अभी ब्रेकफास्ट बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं। तो ये है आज की ब्रेकफास्ट, ये है योगर्ट सैंडविच और बॉइल्ड एग। तो ये है आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। खाना खा लिया है तो चलिए अभी काम पे लगते हैं बाकी का। तो शेखर काफी सारे साग लेके आए थे लंच में बनाने के लिए। तो ये है एमरंथ और लाल साग बोलते हैं हम लोग बंगाली में, तो मैं आज इसको बनाने जा रही हूँ। और इसलिए मैं पहले साग तोड़ रही हूँ और साइड में शेखर खाना बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो वीकेंड हो या फिर वीकडेज हो, हम दोनों मिलके खाना बना लेते हैं, मतलब लंच बना लेते हैं, तो किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का ही काम रहता है ना एक्स्ट्रा। और देखिए काफी सारा साग मैंने यहाँ पे चुन लिया है और ये सारे कचरे हैं। क्या कर रहे हो किचन में, क्या है? जाम। हाँ क्या चाहिए? जाम ड्रम। लेकिन क्या क्या चाहिए तुमको? तो शेखत आज संडे स्पेशल कुछ लंच बना रहे थे, तो इसलिए व्यान कटोरी लेके आ गया कि पापा मुझे खाने के लिए दे दो, मतलब थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दो। तो शेखत यहाँ पे उनको व्यान को एक कटोरी में दे रहा है गर्मा गर्म, तो वो यहाँ पे लेके आ गया, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहा है वो। और लंच वन सब कुछ रेडी हो गया था, तो अभी हमने सोचा कि व्यान को लेके जाते हैं बाहर, क्योंकि आज संडे भी है तो थोड़ा सा इन्जॉय करना है सबको ही बाहर जाके, तो इसलिए व्यान को रेडी करा दिया। उसके बाद हमको भी रेडी होनी है। तो यहाँ पे ना व्यान को पहले बेल्ट पहना रहे थे शेखत, फिर व्यान को अच्छा नहीं लग रहा था बेल्ट, तो फिर निकाल दिया। और बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना बड़े के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अप्लाई करती हूँ मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज। तो इसमें है SPF 30 PA++++ और ये टॉक्सिन फ्री है, मेड विथ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स लाइक ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला, और ये ना मेड सेफ सर्टिफाइड है। ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन बच्चे के स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्श UVA एंड UVB रेस, और बच्चे का स्किन डीपली नरिशमेंट भी करता है। और ये सनस्क्रीन 0 to 10 ईयर्स के बच्चे के लिए है। सो बाहर धूप में जाने से पहले व्यान को मैं ये ज़रूर से अप्लाई करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल। मामाअर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है मामाअर्थ अमेजन नायका पर्पल फ्लिपकार्ट एंड मामाअर्थ के ऐप में, और यू कैन यूज माई कूपन कोड जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, और इस कूपन कोड को यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ एट mamaearth.in एंड मामाअर्थ ऐप। और मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, और आप जब भी मामाअर्थ से कुछ भी शॉपिंग करते हो तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक करते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है। और बाय द ईयर 2025 मामाअर्थ ने एम किया है 1 million ट्रीज को प्लांट करना। और मामाअर्थ के ऐप के यूजर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी, और मामाअर्थ अभी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन हमारे नियरेस्ट स्टोर में भी अवेलेबल है। तो व्यान के साथ साथ हम लोग भी रेडी हो गए हैं, और अभी मेरे जो स्नीकर्स हैं ना उनमें लेस लगा रहे हैं शेखर, तो ये काम वही करता है। और मेरी आज आउटफिट देखिए, मेरी टॉप के साथ मेरी जो फुटवेयर है ना वो बिल्कुल मैचिंग है, पेस्टल पिंक कलर का टॉप के साथ पेस्टल पिंक कलर का स्नीकर्स। तो ये स्नीकर्स देखने में इतना अच्छा लगता है ना, पहनने भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है ये फुटवेयर को मेंटेन करने के लिए। ये देखने में इतना अच्छा लगता है कि पेस्टल पिंक कलर, लेकिन इतना ज़्यादा लाइट कलर है ना कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना इसको पहन के, तभी भी ये गंदा होकर लौटता है और इसको मुझे क्लीनिंग करना पड़ता है बार बार। तो जितनी बार मैं इसको पहन के जाती हूँ उतनी बार ही मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मन करता है कि इसको मैं जितना कम यूज़ करूँ उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी मुझे स्नीकर्स लेना है ना, इतना लाइट कलर तो मैं कभी नहीं लेने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं व्यान को एक अलग सा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं वेस्ट साइड, नहीं वेस्ट साइड के साइड वाले जो पतली सी गली दिख रही है ना, तो वहाँ से जाएंगे बिल्कुल पीछे। तो हम लोग जा रहे हैं बाउंस, तो यहाँ पे है एक सॉफ्ट प्ले एरिया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग जब यहाँ पे आए ना, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो यहाँ पे देखा कि एक
क्रिकेट टूर्नामेंट मैच चल रहा था दो टीम के बीच में, तो कौन सा टीम है मुझे पता नहीं है, तो ये सारे लोग यहाँ पे दर्शक हैं, खेल रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं रहना था, हम लोगों को जाना है इंडोर बच्चे का प्ले एरिया में। तो यहाँ पे व्यान भी पहली बार आया है, हम लोग भी पहली बार आए हैं, तो पहले ना इसके लिए टिकट करवानी होगी, यानी कि हमें पेमेंट करना होगा। तो यहाँ का पेमेंट सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर बच्चा यहाँ पे एक घंटा स्पेंड करता है खेलने में, उसके लिए पे करना होगा 600 रुपीज़। अगर आप हाफ एन आवर के लिए बच्चे को यहाँ पे खेलने के लिए देते हो तो उसके लिए पे करना होगा 350 रुपीज़। तो हमने ना 600 रुपीज़ वाला पे किया है। और यहाँ पे सॉक्स मैंडेटरी है, लेकिन हमको ये पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग सॉक्स नहीं लेके आए थे, तो यहाँ से ही हमें बाय करना पड़ा सॉक्स 100 रुपीज़ करके। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ पे आऊँगी ना, तो सॉक्स तो मैं ज़रूर से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ये लोग जो है ना विहान को सॉक्स पहना रहे हैं, और विहान यहाँ पे बार बार मुझे बोल रहा था कि मम्मा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, क्योंकि कोई नहीं था, वो अकेले बच्चा था। फिर मैंने भी अपना जो स्नीकर्स है ना वो निकाल लिया, और मैं भी जाऊँगी वहाँ पे विहान के साथ। तो बड़े के लिए सॉक्स नहीं चाहिए होता है, क्योंकि बड़े जो है ना वो प्ले एरिया में नहीं जाएंगे, ऐसे हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो मैं चली गई विहान को यहाँ पे ढूंढने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चे को मन बहलाने के लिए, एक दो घंटा बच्चा यहाँ पे इजीली स्पेंड कर सकता है। What are you doing? अभी तो देखती बच्ची लवना।
रियान ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एक घंटा नॉन स्टॉप वो खेल रहा था, इतना इंजॉय किया कि वो एसी में भी वो पसीना पसीना हो गया। और यहाँ पे ना उसके साथ वो बाकी जो स्टफ्स है ना वो भी खेल रहे थे। और क्योंकि रियान जब आया था ना, रियान अकेले था आई थिंक, क्योंकि हम लोग 11:30 के करीब आए थे ना, तो इसलिए कोई नहीं था। तो चलिए, एक घंटा अभी ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ना वो अभी भी चल ही रहा था, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं और। तो उसके बाद शैकत हमें लेके आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक हाट लगा हुआ था, तो ये है गोरखा हाट। तो ये गोरखा हाट में भी मैं पहली बार आई हूँ, संडे को ही लगता है ये एक मॉल के नीचे। तो ये जो नेपाली जो होता है ना उनका हाट है, तो नेपालीज का जो खाने पीने का सामान है ना, तो करीबन उन सबको मिला के एक हाट की तरह यहाँ पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मेरी जो नज़र है ना वो यहाँ पे आई है, तो एक लोकल होम ग्रोन ब्रांड है जो अपना प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था। तो वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि मुझे ना लोकली प्रोड्यूस चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें ना काफ़ी सारे हेल्दी हेल्दी ऑप्शन थे, तो मैं वही देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं। तो वो मुझे ना समझा रहे थे कि ये ऐसी चीज़ है, वो वैसी चीज़ है। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे ना दाल वाल मिलेट विलेट सब कुछ के ऐसे ऑप्शंस थे। बहुत स्पाइसी है बेटा। तो यहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है परचेज करने के लिए, और भी काफ़ी यहाँ पे सारी चीज़ें थी, तो कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं पहली बार देख रही थी, पहले नाम भी नहीं सुना, पहले खाया भी नहीं। तो जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने ले लिया है। और ये जो चीज़ है ना वो हमें फ्री में मिला है, वो क्या है वो मैं बाद में बता देती हूँ जिनको भी नहीं पता है कि ये है क्या। और यहाँ पे देखिए एक ऐसे प्लांट का स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर प्लांट भी है, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं ऐसे नेपालीज का जो खाना पीना होता है ना, या फिर लोकल मसाले जैसे हैं यहाँ पे, वो सारे भी हैं यहाँ पे। और सारे ही जो है ना वो छोटे छोटे फार्मर्स ऐसे लेके बैठे हैं, तो सारे ही मैक्सिमम ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी सारे चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे, लोकल होममेड अचार जो है ना वो भी सेल हो रहा था, और भी ऐसे मोमोज, फिर दम आलू वगैरह जो भी नेपालीज ऐसे फास्ट फूड में खाते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे सेल हो रहा था। और थोड़े थोड़े करके ना भीड़ भी काफ़ी सारे हो रहे थे, तो हम लोग ना ऐसी जगह पे पहली बार आए थे, तो इसलिए हम लोग ना सबसे पहले ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। तो जो भी मुझे समझ में आ रहा था वो मैं देख रही थी कि कुछ लेने लायक है अगर मेरी, तो मेरी अगर कुछ पसंद में आता है तो वो मैं लेने वाली हूँ। तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉल में मैं गई भी कि क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन सा दाल है। और वहाँ पर ना काफ़ी सारे सत्तू के वैराइटी है, आई थिंक वो लोग सत्तू बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो चने मकाई और भी कई सारे नाम बोला है मुझे, मैं तो भूल भी गई अभी। तो वो मैं एक्सप्लोर कर रही थी और काफ़ी अच्छा लगा। तो देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रहा है यहाँ पे। और फिर हम लोग ना यहाँ से बाहर चले गए, तो बाहर में ना काफ़ी सारा फूड स्टॉल लगा हुआ था, तो लोग यहाँ पे भीड़ जमा रहे थे, लोग खा पी रहे थे, और नेपालीज का मोमोज और भी कई सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फिर शैकत भी एक स्टॉल में चले गए कुछ परचेज करने के लिए, तो मैंने कहा कि तुमको क्या लेना है, क्योंकि मोमो तो हम लोग खाते ही रहते हैं महीने में एक बार या दो महीने में एक बार। तो शैकत ने कहा कि उनको सेल रोटी लेनी है, तो यहाँ पे और भी अचार वगैरह भी मिल रहा था। तो ये देखिए आंटी जो यहाँ पे तल रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं सेल रोटी, ये नेपाली ऑथेंटिक नेपाली फूड है एक्चुअली। तो हमने भी काफ़ी सारे पैक करा लिया है, तो मैं घर जाके दिखा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या परचेज किया है यहाँ से। तो चलिए घर चलते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं घर, और आज ना वहाँ पे मैंने दिखाया जैसे ही हम लोग गए थे गोरखा हाट जो संडे को लगता है, मुझे पता नहीं था, तो शैकत ने बताया कि चलो चलो जाते हैं क्या मिलता है वहाँ पे देखते हैं। तो पहले ये जो चीज़ है ना ये शैकत ने लिया है, दिखा दो, शैकत की फेवरेट चीज, और एक तो उसके मुंह में भी है जो मेरे पास भी यहाँ पे है, ये है शुरपी है ना, ये एक चीज बोलते हैं ना, क्या है ये बोलो क्या है, ये है याक की, याक जो होता है याक की, याक के जो दूध है, दूध को
जमा के ये बनाया जाता है, मतलब चीज टाइप का, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मैंने बचपन में एक खाया था तो हम लोग को ना फ्री में मिल गया, एक मुझे दिया एक उनको दिया। ये शेखर का फेवरेट है सेल रोटी, मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा ऑयली लगता है, मुझे ज्यादा ऑयली अच्छा नहीं लगता, लेकिन शेखर को बहुत पसंद है सेल रोटी। ये इतने सारे उसने बाय किया है वहां से, कितने सारे, 10 पीस उसने लिया है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने एक ही बार खाया था। और एक चीज दिया है शेखर ने, दम आलू है ना, दम आलू पैक किया, दम आलू भी उन लोगों का अच्छा होता है। वहाँ पे ना मोमोज, दम आलू ये सब कुछ मिल रहा था, दम आलू, हाँ दम आलू, ये दम आलू है। और ना मैंने कुछ कुछ शॉपिंग किया है वहां से, मुझे लोकली जो ग्रोन चीजें होते हैं ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे ये शेखत का पसंद था कि डल्ले मसाला, मतलब डल्ले जो होता है ना, डल्ले खुरसानी, उसका अचार बोल सकते हो, तो मसाला डाल के ऑयल डाल के इसके अंदर है। तो ये जो है ना, ये एक होम ग्रोन ब्रांड है, तो उनसे मैंने लिया है। और भी काफी सारी चीजें लिया है अच्छा अच्छा सा। तो मैंने लिया है एक मिलेट फ्लावर, ये भी उन लोगों का मतलब खुद का प्रोड्यूस है, खुद का प्रोडक्ट है। तो ये ना कोडो मिलेट फ्लावर है, ऐसा कुछ मिल रहा था तो मैंने ले लिया है, 60 रुपीज करके लिया है। डल्ले का भी कितना लिया है, डल्ले का 170 रुपीज, बाप रे, डल्ले का प्राइस ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा तीखा वाला अचार है ना ये। और फिर ना मैंने लिया है नूडल्स, मुझे काफी दिनों से नूडल्स खाने का मन कर रहा था। और ये जो है ना, ये व्हीट फ्लावर का नूडल्स है, एकदम आटे का, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीट फ्लावर स्पाइस एंड सॉल्ट। तो व्हीट फ्लावर देख के मैंने इसको ले लिया, क्योंकि बाजार में तो वैसे मैदे का ही मिलता है, मुझे मैदा नहीं लेना था, तो व्हीट फ्लावर का मिल रहा था तो मैंने ले लिया। पता है मैंने कुछ दिनों से मतलब मेरे मन में बहुत ज्यादा वो आ रहा था कि मुझे नूडल्स खानी है। और फिर एक और लिया है, ये ना थोड़ा सा पास्ता टाइप का है, आप देख सकते हो, ये विहान ने कहा कि उसको लेना है, ये विहान के लिए लिया है। मेरा भी मन कर रहा था कि इसको मतलब ये भी आटे से बना है, मैदे का कुछ भी यूज नहीं है। जो स्टॉल से हमने लिया था ना, वहां पे सारे हेल्दी चीजें मिल रहा था, इसलिए वहां से मैंने शॉपिंग किया। और इसमें भी आटा है, स्पाइस है, सॉल्ट है बस। और ये मतलब मोटा वाला नूडल्स है पास्ता जैसे, तो इसको मैं बना सकती हूँ। ये बयान के पसंद से लिया है ना। लो, तो ये सारे कुछ शॉपिंग करके हम लोग आ गए। और बयान को आज कितना मजा आया, सबको बता दो कितना मजा आया बयान को। बयान बोल रहा है कि हम लोग फिर कल जाएंगे, है ना, हम लोग फिर कल जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं बच्चा, कल तो तुम्हारा एग्जाम है, कल एग्जाम देने जाना है। चलो अभी नहा लो, नहा के हम लोग खाना खाते हैं, ओके, लंच करते हैं। चलो 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 चलो।